जब कभी भयंकर जलजला आता है तो मजबूत से मजबूत इमारतें ताश के महल की तरह बिखर जाती हैं, इंसानी बस्तियां उजड़ जाती हैं, चारों तरफ विनाश का मंजर पसर जाता है। दिल्ली में जब भी कभी भूकंप के झटके महसूस होते हैं, विनाश की तस्वीर आंखों के आगे नाचने लगती है और फिर ये राहत महसूस होती है कि चलो सब ठीक है। यह एहसास इसीलिए क्योंकि दिल्ली भूकंप के बेहद संवेदनशील जोन में शामिल है, जहां कभी भी 8 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। 8 तीव्रता का भूकंप कितनी तबाही मचा सकता है, इसे जरा नेपाल की इन तस्वीरों से समझिए। 2015 में नेपाल में जिस भूकंप ने तबाही मचाई थी, उसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8 से कुछ कम ही थी। कुछ महीने पहले भू विज्ञान मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि अगर दिल्ली में तेज भूकंप आता है तो एपिसेंटर दिल्ली के आसपास ही हो सकता है, तो भारी तबाही होगी। सबसे ज्यादा खतरनाक यमुना नदी के अगल बगल के इलाके हैं, खासकर पूर्वी दिल्ली में भयंकर बर्बादी होगी। पूर्वी दिल्ली मतलब लक्ष्मी नगर, शकरपुर जैसे इलाके जो घनी आबादी वाले हैं। सिस्मिक हजार्ड माइक्रोजोनेशन ऑफ दिल्ली नाम से जारी रिपोर्ट में भूकंप के खतरे के हिसाब से दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया है। सबसे ज्यादा खतरे वाला जोन, मध्यम खतरे वाला जोन, कम खतरे वाला जोन। सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में आने वाले इलाके हैं दिल्ली के यमुना नदी के किनारे के ज्यादातर इलाके, उत्तरी दिल्ली का कुछ हिस्सा और दक्षिण पश्चिम दिल्ली का थोड़ा सा हिस्सा। कम खतरे वाले जोन में मध्य दिल्ली के ज्यादातर इलाके, दिल्ली रीजन के आसपास के इलाके, दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कुछ इलाके। मध्यम खतरे वाले जोन में दिल्ली के वो इलाके हैं जो ऊपर के दोनों जोन में नहीं हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के लिहाज से दिल्ली विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस, सरिता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम विहार, वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, बवाना, करोलबाग, जनकपुरी सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में हैं। इन इलाकों में बड़ा भूकंप आने का सबसे ज्यादा खतरा है। ये सारे इलाके यमुना नदी के किनारे या उसके फ्लड प्लेन में हैं। भूकंप के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा खतरे वाला इलाका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बुराड़ी और नजफगढ़ है, यानी इन इलाकों में भूकंप बड़ी तबाही मचा सकता है। दिल्ली का लुटियन जोन भी हाई रिस्क वाला इलाका है, हालांकि यह खतरा उतना नहीं है जितना कि पूर्वी दिल्ली में है। लुटियन जोन में सांसद, तमाम मंत्रालय और VIPs के आवास हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, एम्स, छतरपुर, नारायणा सबसे सुरक्षित जोन में है, हौसखास कम खतरे वाले जोन में है। राहत की बात यह है कि दिल्ली में इस तरह का भूकंप 295 साल पहले आया था, जिसका एपिसेंटर भी दिल्ली के आसपास का ही था। ये भूकंप 15 जुलाई 1720 को आया था और इसकी तीव्रता 6.5 थी। दिल्ली में भूकंप से तबाही के खतरे की वजह इसकी घनी बसावट ही है। राजधानी की आबादी करीब 2 करोड़ के आसपास है। दिल्ली के कई इलाके आबादी और इमारतों के लिहाज से बेहद घने हैं। ऐसे में बड़ी तीव्रता का भूकंप यहां काफी नुकसान कर सकता है। आज तक ब्यूरो।